प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुबह चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का, दिखाते हैं आपको राजस्थान सुपरफास्ट। आर्थिक मंदी और बेरोजगारी को लेकर सीएम गहलोत ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, ट्वीट कर पूछा कब जागेगी केंद्र सरकार। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में सामने आया मरीजों को गलत रिपोर्ट देने का मामला, मरीजों के परिजन हो रहे परेशान, अस्पताल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। कोटा के अनंतपुरा में बर्थडे पार्टी के दौरान मनीष गौतम की हत्या के मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी जयेश राणा अपने साथ हमेशा बटरफ्लाई चाकू रखता था, उसने ये चाकू फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन मंगाया था। एसपी दीपक भार्गव ने कहा है कि इस तरह से फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन हथियार बेचने का यह पहला मामला सामने आया है और ऐसे में किसी तरह से फ्लिपकार्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, वह देखा जा रहा है। आरोपी जयेश राणा पुलिस निरीक्षक हरिप्रसाद राणा का बेटा है। उदयपुर में रोडवेज बस और ट्रेलर की टक्कर, दो दर्जन से ज्यादा यात्री घायल, उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ हादसा। झालावाड़ के कचनारा गांव में खेत में पानी देने के दौरान एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई, मौके पर किसी के नहीं होने के चलते किसी को भी घटना के बारे में खबर नहीं लगी। कोटपुतली में कपड़े की दुकान में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोटा के लाडपुरा इलाके में अरनखेड़ा गांव में कुछ लोगों ने पंचायत चुनाव की आपसी रंजिश के चलते देर रात एक कार के शीशे तोड़ डाले और फिर कार में आग लगा दी, कार आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीकर के दायरा ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशियों का हुड़दंग देखने को मिला, प्रत्याशियों के समर्थक नामांकन पत्र भरवाने आए, मतदान कर्मियों से नामांकन पत्र छीनकर फरार हो गए। डूंगरपुर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत ग्राम पंचायत पारडा दरियाटी ने मिसाल पेश की, ग्राम पंचायत पारडा दरियाटी में सरपंच से लेकर सभी सात वार्ड पंच पद पर एक एक ही नामांकन आने से पूरी कोरम निर्विरोध निर्वाचित हो गई। करौली में दो बदमाशों ने पुलिसकर्मी से मारपीट कर डाली, पुलिस ने जांच के लिए जब दो बाइकों को रोका तो दोनों बाइक सवार तैश में आ गए और दोनों बदमाशों ने पुलिसकर्मी से हाथापाई और गाली गलौज किया, दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मकर संक्रांति का पर्व आज दान पुण्य करते नजर आ रहे लोग, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। मकर संक्रांति के मौके पर कोटा के मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग सुबह सुबह सूर्य देव के निकलने से पहले स्नान कर मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे, कोटा के हर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए खासी भीड़ देखी जा रही है। मकर संक्रांति पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लोग दान पुण्य कर रहे हैं, तो वहीं जयपुर में भी लोगों ने गलता में आस्था की डुबकी लगाई। दान पुण्य का त्यौहार मकर संक्रांति कोटा में धूमधाम से मनाया गया, पुराने कोटा में पतंगबाजी की धूम देखने को मिली, मकान की छतों पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर लोग जमकर मस्ती कर रहे हैं। बूंदी शहर में भी पतंगबाजी का जोश बरकरार है, पतंगबाजी के दौरान युवा डीजे की धुनों पर छतों पर थिरकते रहे। भीलवाड़ा के फुलिया कला तहसील के धनुप गांव में एक 6 किलो वजन वाला गेंद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, रियासत काल से दड़ा महोत्सव के आयोजन की परंपरा चल रही है। बांसुर मकर संक्रांति को लेकर मंदिरों में भीड़ देखी गई, बांसुर के हनुमान मंदिर में हनुमान जी महाराज का श्रृंगार किया गया, लोगों ने गिरधर गौशाला में गायों को चारा खिलाकर पुण्य कमाया। झालावाड़ के चौमहला कस्बे की बजरंगी गौशाला परिवार की ओर से संक्रांति पर्व पर गौशाला परिवार ने गौमाताओं के साथ जुलूस निकाला और महिलाओं ने गोवंश की पूजा कर उन्हें तिल और गुड़ खिलाया। ब्यावर में मकर संक्रांति का पर्व 2 दिनों तक मनाया जाएगा और शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। बूंदी के बरुंधन ग्राम में 800 साल पुरानी परंपरा का निर्वाह किया गया और गांव में दड़ा महोत्सव मनाया गया, इस दौरान लोगों ने परंपरा का निर्वाह करते हुए दड़ा खेला। अलवर में भी दान पुण्य का दौर जारी है, तो कहीं भंडारे का आयोजन किया गया तो कहीं लोगों ने गरीबों को दान पुण्य कर पुण्य कमाया। दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला समिति की ओर से हॉप सर्कस पर दान संग्रहण केंद्र का आयोजन किया गया। अलवर के गांव नातूसर में आपसी कहासुनी को लेकर दो भाइयों में लाठी भाटा जंग हो गई, इसमें दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए। उधर अलवर के गांव थाना घोड़ा में विद्युत विभाग के सतर्कता दल पर ग्रामीणों द्वारा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में मिलकनखेड़ा गांव में पुलिस ने एक बोलेरो को जब्त किया है, जिसमें एक कार्टन शराब के साथ करीबन 50 डिब्बे गजक के रखे मिले।
डूंगरपुर के घाटी मोहल्ले में महाकाल मंदिर से अज्ञात बदमाश भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति चुरा ले गए। मूर्ति चोरी होने से हड़कंप मच गया। जोधपुर पुलिस ने उदय मंदिर थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मशीन के साथ करीब 19 मोबाइल बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के महिला थाने में नाबालिग से रेप का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी पीड़िता को गाड़ी सिखाने के बहाने सदर थाना क्षेत्र लेकर गया और इस दौरान उसने पीड़िता से गाड़ी में ही रेप किया। अजमेर में रेप की कोशिश का मामला सामने आया। पीड़िता ने अजमेर एसपी से मुलाकात कर आपबीती बताई। वहीं पीड़िता ने आदर्श नगर थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और पीड़िता के मुताबिक एसपी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गोविंदगढ़ पंचायत समिति की नांगल भरडा ग्राम पंचायत में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच की मिलीभगत से 19 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया। डूंगरपुर के घाटी मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर मंदिर के भगवान शिव की प्रतिमा चोरी होने के मामले का कोतवाली पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया है। गिरफ्तार किया गया युवक मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के यालसर गांव में एक युवक ने जहर खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। जयपुर की बस्ती में झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने वाले हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है। बता दें कि परिवादी ने 11 जनवरी को थाने में बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने और रुपए ऐंठने का मामला दर्ज करवाया था। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में नकाबपोश हमलावरों ने बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला। 4 से 5 हमलावरों ने किया बुजुर्ग पर हमला। श्रीकरणपुर के वार्ड 16 का है मामला। डीलवाना में चाइनीज मांझा बेचते बस स्टैंड के पास एक दुकानदार गिरफ्तार। उसके पास से चाइनीज मांझे का जखीरा पकड़ा गया। ब्यावर के कुणेजा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर ताऊ ने अपने भतीजे पर हमला कर दिया। हमले में भतीजा और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी प्रतापनगर नीरज शर्मा के नेतृत्व में प्रतापनगर और देवनगर थाना पुलिस ने घरेलू गैस के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई करते हुए 64 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए और 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पाली के सांडेराव में ट्रक की तलाशी के दौरान ट्रक में ईंटों के नीचे छिपाकर रखी हुई अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है और कुल 567 पेटियां बरामद कर ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के महिपालपुरा गांव में पति से विवाद के चलते पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बूंदी की डाबी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों को कोर्ट में पेश किया गया। उदयपुर के कोटला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और करीब 15,000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया। बारा जिले के अंता की दाई मुख्य नहर में डूबे युवक का शव मिल गया। 92 घंटे बाद युवक का शव बांबुलिया जोगियान के पास नहर में तैरता हुआ मिला। धौलपुर के बसेड़ी थाना इलाके में रफ्तार का कहर दिखा जहां पर नादनपुर मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जयपुर की दिल्ली अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टला। दरअसल यातायात कर्मियों ने दिल्ली की ओर से आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया। कार के अचानक रुकने के कारण पीछे से आ रहा ट्रेलर बेकाबू होकर डिवाइडर पर जा चढ़ा। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में टोड़ी मोड़ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल तेज रफ्तार से आ रही एक निजी बस ने राहगीर को कुचल दिया। राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। बाड़मेर के नेशनल हाईवे 68 पर एक इनोवा कार पलटने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत और एक युवक गंभीर रूप से घायल। टोंक के मालपुरा में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान में विद्युत कार्य करते समय अचानक करंट लगने से एक युवक झुलसा। घायल युवक को तुरंत मालपुरा अस्पताल लाया गया। हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर किया गया। बीकानेर में निजी बिजली कंपनी के खिलाफ विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के बाद आज कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। पाली में सिख समुदाय और एबीवीपी के साथ कई हिंदू संगठनों ने सीएए के समर्थन में रैली निकाली तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीकानेर के बज्जों में बदहाल हुई सड़कों को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। केशवरायपाटन में एनआरसी और सीए के समर्थन में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने रैली निकालकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। केशवराय मंदिर से निकली रैली में युवाओं ने हाथों में 51 फीट लंबा तिरंगा लिया हुआ था। ब्यावर में सिटीजन काउंसिल ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री को एक ज्ञापन भेजकर महालक्ष्मी मिल को फिर से चालू करने की मांग की और मिल बंद होने से कई लोगों को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। कोलायत के झूझू गांव में अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए अस्थायी दुकानों को हटाया गया। दुकानों की वजह से विद्यालय के छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बीकानेर में नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही 2 अलग अलग स्थानों पर सामने आई जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य नहर के हेड 507 पर कटाव आ गया।
जयपुर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 जिलों के जिला कलेक्टर्स के साथ में टिड्डी प्रभावित क्षेत्र के किसानों को मुआवजा देने को लेकर चर्चा की। बीकानेर में नाले को दुरुस्त करने के लिए उप महापौर और निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। दरअसल जसूसर गेट क्षेत्र में स्वाई मोहल्ले में नाला अवरुद्ध होने की वजह से घरों में गंदा पानी आ रहा है। जोधपुर के पावटा में फल सब्जी मंडी को बदवासिया शिफ्ट किया गया, लेकिन मंडी प्रशासन मेन गेट पर बैरिकेड लगाकर बंद कर देता है, जिससे किसानों और फुटकर व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। थोड़ा भीम कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मकर संक्रांति पर नगर पालिका की ओर से विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस विशाल कुश्ती दंगल में पहली कुश्ती की शुरुआत 51 रुपए की कुश्ती से हुई और आखिरी कुश्ती 11,000 रुपए की करवाई गई। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मूक बधिरों के लिए ऑडियोमेट्री टेस्टिंग रूम बनना था, लेकिन अस्पताल प्रशासन की अनदेखी के चलते इसकी जगह पर रूम में पार्टीशन कर डॉक्टर्स का रूम बना दिया गया, लेकिन अब ये रूम डॉक्टर्स के बैठने के काम भी नहीं आ रहा है। 12 जिले के कई कस्बों में लोक परिवहन बस के संचालकों की मनमानी से लोग परेशान हो रहे हैं और 12 के अंता, किशनगंज, भवरगढ़ आदि कस्बों में लोक परिवहन की बसें कस्बों के अंदर नहीं जाकर हाईवे से ही गुजर रहे हैं। चूरू में हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद पारा एक बार फिर से बढ़ा, वहीं शीतलहर और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। उधर राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2018 में अभ्यर्थी के खेल प्रमाण पत्र के अंक नहीं जोड़ने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जयपुर में जाली नोट मामले की विशेष अदालत ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को 4 साल की कठोर सजा सुनाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर के दौरे पर रहे, राजनाथ सिंह ने यहां पर आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने अल्पवास प्रवास पर उदयपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हो रही खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से बीएन विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। जालौर में महिला महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया, वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कार्यालय का उद्घाटन किया। अलवर के राजगढ़ में विद्यालयों का ऑनलाइन डाटाबेस तैयार करने के लिए यू डाइस पोर्टल की एक दिवसीय कार्यशाला हुई, ब्लॉक स्तर पर पीईओ का परीक्षण दिया गया। प्रतापगढ़ के अरनोद में पंचायत राज चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर मोहेड़ा और चुपना में रूट मार्च निकाला गया, तो वहीं पंचायत राज चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। अजमेर कुंदन नगर छाबरी में रिटायर्ड फौजियों के लिए सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, सैकड़ों की संख्या में रिटायर्ड फौजियों ने डॉक्टर से परामर्श लेने के साथ ही इलाज भी करवाया। जोधपुर में निगम सीईओ की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी की निगम सभागार में बैठक आयोजित हुई और इस दौरान गांधी मैदान में मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्यपाल सिंह जिले के जीनापुर गांव के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झालावाड़ के गंगधार थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक हुई और बैठक में डीएसपी ब्रजमोहन मीणा ने आगामी चुनाव शांतिपूर्ण करवाने पर चर्चा की। करौली में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीणा करौली क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई कर लोगों के अभाव अभियोग सुने। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। उदयपुर के सेक्टर 14 के सरकारी अस्पताल का उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान विधायक ने अव्यवस्थाओं पर विधायक नाराज नजर आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। मणिशंकर अय्यर का फिर से विवादित बयान, कहा बीजेपी को चुनाव में सबका साथ सबके विकास के नारे पर मिला वोट, लेकिन किया विनाश, देखते हैं किसका हाथ मजबूत है, हमारा या कातिल का। क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद निर्भया का गुनहगार मुकेश पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वहीं महीने से बंद दिल्ली के शाहीन बाग की सड़क कब खुलेगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला पुलिस पर छोड़ा, कहा कानून और जनहित दोनों का ध्यान रखें। शाहीन बाग की सड़क बंद होने से रोज 2 लाख लोग फंस रहे हैं जाम में, नागरिकता प्रदर्शन के नाम पर बनाया पिकनिक स्पॉट, खोमचे ठेले भी लगे। जम्मू मोबाइल फोन पर 2G सेवाएं आज से हो जाएंगी शुरू, 5 अगस्त को 370 हटाने के बाद से बंद इंटरनेट सेवाएं।
जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर एवलांच की वजह से 6 जवान शहीद हो गए जबकि 6 नागरिकों की भी मौत हो गई। आज 72वां आर्मी डे है और इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सबसे बड़ा आयोजन दिल्ली के गैरिसन ग्राउंड में किया जा रहा है जहां पर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे सैन्य दस्ते की सलामी ले रहे हैं। मुंबई 2611 के गुनाहगार हाफिज सईद ने कहा है कि वो टेरर फाइनेंसिंग नहीं करता है। हाफिज सईद आतंकी गतिविधियों के आरोप में पिछले साल जुलाई के लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। प्रियंका गांधी के 10 जनवरी को वाराणसी दौरे के दौरान उनसे मुलाकात न होने पर विरोध जताने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय सह संयोजक विनय शंकर राय और उनकी पत्नी श्वेता राय को यूपी कांग्रेस ने नोटिस जारी किया। उधर इतिहासकार इरफान हबीब को अलीगढ़ कोर्ट का नोटिस। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पीएम मोदी और अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। जेएनयू हिंसा के आरोपी 3 छात्रों की तलाश। पुलिस के समन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं आए। आज भी 3 छात्रों से हुई पूछताछ। नागरिकता कानून को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि कानून धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट की दिल्ली पुलिस को फटकार। कहा, आपका बर्ताव तो ऐसा है जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सीए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शन। सिक्योरिटी स्टाफ ने टी शर्ट पहनकर विरोध करने पर रोका। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। आतंकी के मददगार डीएसपी के धर्म पर कांग्रेस की सियासत। बीजेपी का भी अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार। कहा, कांग्रेस की आदत है आतंकवाद में धर्म ढूंढना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी में कर सकते हैं भारत का दौरा। दोनों देशों के अधिकारी कर रहे हैं तारीखों को लेकर चर्चा। मकर संक्रांति पर अहमदाबाद में अमित शाह अपार्टमेंट की छत से उड़ाई पतंग। जमकर पेच भी लड़ाए। लोगों की नागरिकता कानून के समर्थन में नारेबाजी। तमिलनाडु के मदुरई में जलीकट्टू मनाया जा रहा है और इस मौके पर बैल और सांडों को सजा धजा कर इस पारंपरिक खेल में उतारा गया। यह आयोजन देखने के लिए आसपास के कई गांव के लोगों की भीड़ जुटी। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में सीनियर सिटीजन लाफ्टर क्लब के सदस्यों ने अनोखे अंदाज में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। क्लब से सभी वरिष्ठ सदस्य एक ग्राउंड में जमा होकर पतंगबाजी की तैयारी की और हंसते हुए पतंग झोड़ाए। अगले साल 15 जनवरी से सोने के गहनों की खरीद बिक्री बिना हॉलमार्क के मुमकिन नहीं। सरकार का फैसला, कल जारी हो जाएगी अधिसूचना। मुंबई पुलिस ने मकर संक्रांति के मौके पर लोगों को उनके चोरी हुए सामान लौटाकर तोहफा दिया है। पुलिस ने 104 लोगों को 2 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात लौटाए हैं जिनकी कीमत 1,64,00,000 रुपए। उधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए सेल्फी विद यमराज अभियान चलाया गया जिसका आयोजन एम्बुलेंस हेल्प राइडर ग्रुप की तरफ से किया गया था। और दिल्ली आने जाने वाली 17 ट्रेनें लेट। 1 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं सभी ट्रेन। चलिए फटाफट खबरों के बाद रुख करते हैं कुछ अहम खबरों का। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी कि जील अपने दर्शकों के लिए लाया है भोजपुरी फिल्मों का 24 घंटे का एक नया चैनल जी बायोस्कोप। विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में बोली जाने वाली भोजपुरी के दर्शकों के लिए लाया गया जी बायोस्कोप डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध है और जल्द ही अपने दर्शकों के लिए तमाम मुख्य प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होगा। जी बायोस्कोप पर भोजपुरी की बेहतरीन एंटरटेनिंग फिल्में तो होंगी ही। भोजपुरी सिनेमा के 3 सबसे बड़े चेहरे निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी बायोस्कोप का चेहरा होंगे और अपने दर्शकों तक जी बायोस्कोप को पहुंचाने की कैंपेनिंग संभालेंगे। जी बायोस्कोप पर भोजपुरी फिल्मों के दर्शकों को मिलेगा रोमांस, ड्रामा, एक्शन और कॉमेडी का तड़का। जी बायोस्कोप आपके लिए भोजपुरी की 300 से ज्यादा सुपरहिट फिल्में तो लाया ही है। हर वीकेंड पर सबसे बेहतरीन भोजपुरी फिल्मों का एक्सक्लूसिव वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी होगा। भोजपुरी सिनेमा के लेजेंड्स मनोज तिवारी और रवि किशन की फिल्में तो जी बायोस्कोप पर आपके लिए होंगी ही। इसके साथ ही निरहुआ, पवन और खेसारी और चिंटू पांडे, यश मिश्रा की बेहतरीन फिल्में भी खास तौर पर दिखेंगी जो कि जी बायोस्कोप की पंचलाइन आठों पहरिया लूटा लहरिया यानी कि मनोरंजन दिनभर का वादा भी निभाएगी। जी बायोस्कोप भोजपुरी फिल्में तो दिखाएगा ही, गीत संगीत और चैट शो का भी प्रसारण करेगा जो इस जोनर के किसी भी चैनल से बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। भोजपुरी मूवी चैनल जिसमें है तड़का मार डांस, एक्शन के रोमांच,
चलिए खबर का रुख करते हैं जयपुर से, जहां पर खड्डा बस्ती से हटाए गए परिवार धरने पर बैठे हैं। तो बड़ी खबर है जयपुर से, जहां पर खड्डा बस्ती से जिन परिवारों को हटाया गया था वो धरने पर बैठे हैं। निगम मौजूद 55 प्लॉटों में से सिर्फ 6 की ही नीलामी कर रहा है। कल से निगम मुख्यालय पर यह नीलामी होनी है, वहीं प्रक्रिया शुरू। प्लॉटों की कीमत 75,000 से 82,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक है। इसके साथ ही हटाए गए परिवारों ने इसी अनुपात में मुआवजे की मांग की है। परिवारों ने नीलामी और प्लॉटों की नई कीमत का विरोध किया है। कोर्ट के आदेशानुसार आवंटन में प्राथमिकता देने की यहां पर मांग की है। इसके अलावा नीलामी प्रक्रिया रुकवाने और पुनर्वास कमेटी बनाने की भी मांग है। कोर्ट के आदेशानुसार परिवारों को 5 किलोमीटर दूर बसाना था। दामोदर जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दामोदर, क्या कुछ मांग है इन तमाम प्रदर्शनकारियों की? देखिए, हम अभी खड्डा बस्ती मौजूद है, जहां पर करीब 504 परिवार यहाँ निवास करते थे, और जो इस जमीन को नगर निगम ने जो खाली करवाया था, इस शर्त पे जो बता रहे हैं लोग, इस शर्त पे करवाया गया था कि जब इस जमीन की नीलामी की जाएगी उस आधार पर ही इनको मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन इन जो परिवार है इनको यहां से खाली भी करवा दिया गया, लेकिन इसमें करीब 4 बीघा जमीन है, इसमें 6 प्लॉटिंग की जा रही है, और उस आधार पर ना तो इनको कोई मुआवजा दिया जा रहा और ना ही और कुछ। उसी को लेकर ये जो 504 परिवार है वो आज धरने पे बैठे हैं, नगर निगम के खिलाफ बैठे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे को इसमें इंसाफ मिले, क्योंकि जो पूर्व कांग्रेस सरकार ने जो चुनाव टाइम में वादा भी किया था कि यदि सरकार आएगी तो हम आपके साथ में इंसाफ करेंगे, इस तरीके से लेकर इन्होंने किया था। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या मांग है इनकी, क्या मांगे हैं, किस मांग को लेकर आप ये धरने पे बैठे हो, क्या बात हुई थी आपकी सरकार? देखिए, ऐसा है कि ये यहाँ जो 504 परिवार थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आर्डर हो गया था, इसलिए ये परिवार जो है सशर्त यहाँ से शिफ्ट हो गए थे और इनको इकोलॉजिकल जोन में ले जाकर के बसा दिया गया। और अब सरकार ने आश्वासन दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जब जमीन नीलामी होगी तो यहाँ के रहवासियों को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन यहाँ के रहवासियों को नजरअंदाज करके जेडीए जो है सिर्फ कमाई करने के लिए धनाढ्य परिवारों को ये जमीन जो है बेचने जा रहा है, और कल इसका ऑक्शन की ऐलान कर दिया गया है। अभी अदालत में मामला सब जूडिश है, इसके बावजूद भी जो है जेडीए ने जो है इसको ऑक्शन करने का ऐलान कर दिया है। हमारा मुतालबा यह है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि यहां के रहवासियों को प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके कॉन्फिडेंस में लेकर के ये काम किया जाएगा। नगर निगम ये काम नहीं कर रहा है, उसके नतीजे में सारे परिवार आज यहां धरने के ऊपर बैठे हैं। और यहां पर पुलिस का इस अंदाज से इंतजाम कर दिया गया है कि जैसे इसको जो है पूरे एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इससे सरकार की नीयत का अंदाजा होता है कि सरकार इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहती। अगर सरकार इंसाफ करना चाहती है तो जेडीए जैसा जो नीदड़ में किया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला होने के बावजूद वहां के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान की कोशिश कर रही है। हमारा मुतालबा भी यह है कि इसी तरीके से यहां के लोगों की समस्याओं का समाधान सरकार जो है कमेटी बना दे और वो बैठ करके इनकी समस्याओं को सुने और उचित समाधान उसका करे। अभी कोर्ट में भी लंबी चल रहा है मामला, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस निवासियों को बाहर निकलने में लगी, क्या था मामला, किस बात को लेकर आपसे सरकार की बात हुई थी? बात सरकार की नहीं है, बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट की है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है उससे आपकी अवहेलना कैसे कर सकते हो? यहाँ जब ये एक ऑर्डर हो गया था कि जब भी यहाँ पे बेचा जाएगा तो इन लोगों से पूछ के बेचा जाएगा, इनसे पहले इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो और जब एक अमाउंट पहले से ही निगम ने बता दिया था कि साहब यहाँ की कीमत इतनी है, तो इतने हाई लेवल पे आप कैसे बेच रहे हो, इनसे पूछे बगैर कैसे बेच रहे हो? इसका मतलब यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इन लोगों ने सारी चीजें हटा दी थी, दूसरी बात जब इन्हें दिया गया तो वो ग्रीन बेल्ट में दिया गया है, ये लोग 4 दिन बाद फिर लड़ाई लड़ेंगे, इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी फिर लड़ाई लड़ेंगे। एक तो ये रूल है कि जहां की भी लोग होते हैं वहीं पे उनको बसाया जाता है, जब ये लोग जब आपको यहां पे बेचना ही था तो इनको थोड़े से फ्लैट यहां बना के दे दिए होते बिल्डिंग में, क्या परेशानी थी उन्हें? जब उनको जब यहीं बसाना है, जब बेचना है, तो गरीबों पे जुल्म क्यों करना है? और यहां पे अगर ये काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं तो ये कानूनन गलत कर रहे हैं, और उन्हें यहां से पे ऑक्शन करने का कोई हक नहीं।
तो कानूनन लोगों को परेशान किया जा रहा है सर, ये कोर्ट में लंबी थी बताया जा रहा है मामला, उसके बावजूद भी इनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, क्या है मामला, क्या किस मामले के? ये जो जगह है खड्डा बस्ती की, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यहाँ के जो निवासी थे उनको विस्थापित करके जयसिंहपुरा खोर में उनके अकॉर्डिंग उनको जगह दे दी गई थी, उनको पट्टे दिए गए वहां पर, उनको अच्छी तरह आवासित किया गया वहां पर। अब ये जो जगह है ये नगर निगम सरकारी कब्जे में आ गई है और सरकार इसकी ऑक्शन कर रही है, तो उस ऑक्शन में खुली निविदाएं होती हैं, ऐसा नहीं है, जबकि अब ये प्रायोरिटी वाली बात कर रहे हैं तो उसमें खुली बोली में कोई भी आदमी बोली लगा सकता है, और यदि इनको इसमें किसी तरह का कोई ऐतराज है तो माननीय न्यायालय में उसकी अपील भी कर सकते हैं। और इनको यदि कोई ऐतराज भी होते हैं कोर्ट में भी जा सकते हैं, कि जो बताया जा रहा है कि इनको पहले वो जयसिंहपुरा खोर में भी इनको जगह दे दी गई है और उसके बावजूद ये सरकार अपनी नगर निगम की ओर से ये बोली लगाई जा रही है उसको लेकर, और भी बात कर लेते हैं हम लोगों से, क्या मांगे हैं आपकी, किस मांग को लेकर बैठे हुए? अपने यहाँ बस्ती के लिए चाहिए अपन को जो न्याय चाहिए अपन को, तो क्या न्याय चाहिए आपको? जो जहाँ पे बताया है जमीन के बारे में, तो जो लोग दूसरों को दे रहे हैं, पहले हमारा हक है, पहले हमारा हक क्यों दिया जाए? तो आपको जयसिंहपुरा खोर में दे दिया गया, बताइए बताइए। बट्टा कुछ भी नहीं दिया, हम तो बेकार पे परेशान हो रहे हैं, पे तो मैं परेशान है। क्या है, हम तो अंधे आदमी है और तीसरी मंजिल पे दे दिया, दो बारी तो मैं गिर गया वहाँ, अब हमारे को यहाँ चाहिए। सन 70 से बैठा हूँ मैं यहाँ पे, 1970 में बाढ़ आई थी उस टाइम से बैठे हैं यहाँ, किस्तियाँ चल गई थी, हमारे को तो यहीं दो, गवर्नमेंट क्यों नहीं देती? इतने बड़े खड्डे से गरीब आदमी पेट भूखे रह के और पूरा वो भरा, दो दो हाँ दो दो गज के। तो लोगों की मांग है कि इनको यहीं पे ही विस्थापित किया जाए, क्योंकि जो जयसिंहपुरा खोर में दिया गया था फ्लोर बाई फ्लोर ऊपर, उस आधार पर जो बुजुर्ग है उनको ऊपर चढ़ने में भी थोड़ी व्यवस्था हो रही है। दामोदर ये भी बताइए कि लगातार जब मांग की जा रही है प्रदर्शन पर, तमाम जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई नुमाइंदा पहुंचा है सरकार की तरफ से इनसे बात करने के लिए, समझाइश के लिए? चलिए आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रदर्शन जो है लगातार जारी है, इन तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो मांग कर रहे हैं जिस तरीके से वादा किया गया था उसके मुताबिक, यानी कि जिस अभाव से नीलामी हो रही है उसी हिसाब से मुआवजे की, और इसके अलावा जो मकान आवंटित इन्हें किए गए हैं उसे भी लेकर कुछ समस्याएं यहां पर है। दामोदर हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया दामोदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी खबरों के लिए बने रहे जी राजस्थान के साथ, नमस्कार।